लगा जल्दी से पेट्रोल उड़ जाएगा। पेट्रोल उड़ता है तेरे को पता, हवा में उड़ जाता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आए हो सब ठीक होंगे? हम भी बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल तो जा रहा हूँ मार्केट, वो भी इसके साथ, कभी साजन के साथ कभी इसके साथ, मतलब यही काम रह गया, इनके काम करते रहो। फोन में देखे मुस्कुरा मत, चल, धूप हो रही है बहुत ज्यादा। कितना टाइम लगाता है तो कब से फोन कर रहा हूँ तेरे को मैं। इसकी बाइक में प्रॉब्लम था तो बाइक बनवा लिया, अब नाश्ता करवाएगा ये। नाश्ते में क्या भैया, छोले भटूरे बिरयानी? छोले भटूरे करते हैं, बिरयानी तो कल भी खाया था, बिरयानी अच्छा लगता है बाहर का, बिरयानी घर का अच्छा लगता है। अब यहाँ पे तीन ठेले लगे हुए हैं, पता नहीं है भटूरे खाने किससे, क्योंकि दो ठेले तो सेम है, टेस्ट का फर्क होता है ना, थोड़ा सा सोच के। बीच वाला ठेला, बीच वाले पे खाते हैं तो इस पे खाते हैं, लास्ट टाइम खाए थे तो उस पे खाते हैं, बहुत पहले खाते थे तो बीच वाले चलते हैं, बीच पे भी खा रखा है। तुम भाग यार, घर चल फिर, नौटंकी कर रहा ये बंदा, तो कंफ्यूज है ये खुद ही और मेरे को भी कर रहा। पहले आए थे यहाँ पे, अब कह रहा वहाँ पे, कंफ्यूजन है एक्चुअली। क्या ना, टेस्ट तीनों का अलग अलग है और हम नहीं चाहते कि खराब टेस्ट वाला खाए हम लोग। यहाँ लगा दे गाड़ी जगह पे। तो फाइनली गाइस, हमने यहाँ से खाया भटूरे और वो पेमेंट कर रहा, वो भी अंदर बैठ के खाया हम लोगों ने, मस्त पंखे में, अच्छा था यहाँ का। फाइनली डिसीजन अच्छा था हम लोगों का वहाँ से यहाँ पे आने का। अभी अभी बनवा के लाया, फिर से प्रॉब्लम करने लग गया। मैं बोल रहा था इसका परमानेंट काम करा, इसका परमानेंट काम है ना शोरूम में होगा। बीच रोड पे भाई इसकी गाड़ी फिर से खराब हो गई है, वापस लेके जाना पड़ेगा दुकान पे, भैया को बोलना पड़ेगा भैया इसका परमानेंट काम करके दो, काम चलाओ वाला काम नहीं चाहिए हमको। इसके छोले भटूरे बहुत भारी पड़ गया आज यार, पूरा पचा दिया सर यहीं पे। 12 बज गए भाई और चेहरे के 12 बज गए क्योंकि इस बंदे ने परेशान कर दिया। अब पता नहीं कौन सी गाड़ी लेके तो ये कुछ सामान लाने के लिए जा रहे हैं। सिलेंडर की कीमत होगी भाई 1,046 रुपए और सिलेंडर भी आ गया, भैया लेके आ गया। भैया कल एक सिलेंडर ले आना है ना अगर खाल रहेगा तो। 3:01 हो गया गाइस, तो फिलहाल नहा धोके तैयार हो गया हूँ और सुबह से मैंने तक खाना नहीं खाया। सुबह से मार्केट में था, अभी जस्ट 1 घंटे पहले मार्केट से आया हूँ। उसके बाइक में ना बहुत ज्यादा टाइम लग गया और उसके चक्कर में मैं सुबह से भूखा रह गया। सिर्फ मैंने सुबह भटूरे का नाश्ता किया था ना, वही कर रखा है। तो फिलहाल सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद कोई काम करेंगे। पवन और के तो सोए हुए, मेरे रूम की हालत तो मत पूछो कितनी घटिया हो रखी है, अभी मैं बता भी नहीं सकता हूँ, आप खुद देख के अंदाजा लगा लोगे क्या रूम की हालत है अभी। तो सुबह से भूख लगी हुई है और खाने में है खिचड़ी और चोखा पापड़। थोड़ा सा अचार लेंगे तो स्वाद आ जाएगा, तो पहले क्या करते हैं थोड़ा सा अचार लेंगे, खाना खाते हैं। और देखो गाइस, मम्मी की तबीयत अब ठीक है, नाउ शी इज फाइन। आज हम लोग खाएंगे चिकन या मटन, तो मम्मी और ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएगी पहले के मुकाबले। पवन बना रहा है चाय, वो भी पापा के लिए। पवन एक कप अपने लिए बचेगी, इतने पीछे टी शर्ट में क्या बल लगा हुआ, ये कहाँ कहीं भी तू बैठ जाता, टी शर्ट गंदा कर देता। चाय देख के लग तो रहा कि हमारे लिए बचेगा, पापा के लिए भी बन गया तो बहुत बड़ी बात है। इसमें से लग बड़ा बहुत सारा है, पतीला कितना छोटा है ये। पांच बज के 26 मिनट हो गया, तो फिलहाल जा रहे हैं हम लोग मार्केट। गर्म हवा चलना स्टार्ट हो गई है, जल्दी जा रहे हैं क्योंकि माल पानी लेके आना, फिर जल्दी बनाना उसको भी, तो फटाफट जाते हैं, फटाफट लेके आते हैं गाड़ी स्टार्ट करना। ये गाड़ी के नखरे अलग ही है, गर्मी हो जाए सर्दी हो इसको 5 मिनट लगता है स्टार्ट करने में, अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुई है। बहुत तगड़ी वाली गंदगी वाली हवा चल रही है और धूल उड़ रहा है हवा के साथ साथ। गलती हो गई, मास्क लेके नहीं आया मैं तो। हवा तो चली रही है, साथ में धूल भी उड़ रहा है बहुत सारा और लू वाली हवा, गरम गरम हवा है। तो गाइस फिलहाल थोड़ा धीरे धीरे गाड़ी चला के जाना पड़ेगा क्योंकि धूल पूरी उड़े उड़ के आंखों में जा रही है डायरेक्ट। बाकी खरीदारी बाद में, सबसे पहले पेट्रोल उड़वाओ, वो भी इसमें लगा जल्दी से, पेट्रोल उड़ जाएगा। पेट्रोल उड़ता है तेरे को पता, हवा में उड़ जाता है। अब खरीदारी चालू करते हैं सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में पहले सब्जी लेंगे, फ्रूट्स लेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे मीट मंडी में। आज पवन खरीद रहा है सब्जियां, दे देना को 40 रुपए, तो चल फिर नहीं यहाँ तो कुछ भी लेना, सब्जी का थैला पकड़ ले, गाय से बचाना, दे गाय बहुत सारी। इधर शॉपिंग हो गई कंप्लीट, घर पे भी आ गए हैं, थोड़ा सा क्या गरम मसाला लेना था, और इसको छुपा ले क्रीम को यार, एडवर्टाइजिंग हो जाएगा लोगों को मेरी खूबसूरती का, राज पता चल जाएगा। नहीं नाम नहीं बताने का। तो फिलहाल तो खड़ा सदर करके आ गए उसको देने के लिए सामान, बिकॉज वो मार्केट नहीं गया था, उसने मेरे को बोल दिया लेके आने के लिए, लेकिन मैं 5 मिनट से बाहर खड़ा हूँ, अभी तक बाहर नहीं आ रहा हूँ। तो गाइस फिलहाल टाइम हो रहा 8:45 और अभी फिलहाल चल रही वीडियो की एडिटिंग और किचन में खाना बन रहा है जो मैं बना के आया, मतलब कुकर में सब कुछ डाल के फिक्स करके उसको आ गया हूँ, जब तक एडिटिंग करूंगा तो वो बन जाएगा। ये वाला ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, ये है कल वाला ब्लॉग। अभी फिलहाल ना गाइस मेरे जो ब्लॉग्स है ना वो थोड़े से एक दिन लेट चलते हैं, तो अगर आपको बिल्कुल अपडेट चाहिए, बिल्कुल ए टू जेड अपडेट, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बगल में दिख रहा है इंस्टाग्राम पे अच्छा खासे वाले फॉलोअर्स मिल रहे हैं मेरे को अभी, आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यहाँ पे भी आप लोग मुझे प्यार सपोर्ट दे सकते हो जैसे यूट्यूब पे देते हो। तो फिलहाल तो पहले करते हैं एडिटिंग, फिर उसके बाद खाना खाएंगे, मैच भी देखना होता है, लेकिन चलो वो सब काम बाद की बात है, एडिटिंग करते पहले। एडिटिंग अभी बची हुई है बहुत सारी, तो फिलहाल तो पहले सबसे पहले जाके खाना खाते हैं, खाने के लिए बड़ा बुला रहे हैं, गरम गरम खाना खाने का मजा आता है, वही मेरे हाथ का खाना भाई अमेजिंग। अभी बताता हूँ जाके कैसा खाना बनाना है, कैसा खाना बना, ज्यादा एक्साइटेड हो गया लगता है मैं। 9:15 हो गया भाई, चिकन बन के देखो तैयार हो गया, अब पता नहीं कैसा बना, 1.5 घंटे लगे मुझे उसको बनाने में, ज्यादा मत दे, बाकी और भी घर में लोग हैं।
तो फिलहाल तो क्या करते हैं कि इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और नींद भी आ रही है, सोना भी है। मैच तो वैसा आज ऐसा कुछ खास है नहीं, अब कल मैच देखेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, प्यार सपोर्ट बना के रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और ऐसे प्यार कर देना। 1 साल होने वाले हमारे ब्लॉग को जल्दी। कुकर की सीटी की आवाज आ रही है।